situation. This is very normal. This is very normal and you don't need to worry about it. Okay. Sometimes the thing is there ki females are mostly emotionally wired. They don't feel sometimes so much emotionally connected to their partner. So that could be the cause. And sometimes there is some past trauma related to any such kind of incident. So I think whenever if you feel any of your partner, any of your friend is facing such a problem, first you need to talk to her about it. At least आपको कीगल्स दिन में तीन बार एपिसोड्स करने हैं उसके मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में एटलीस्ट 10 टू 15 टाइम्स यू विल हैव टू वॉलेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट योर पेल्विक मसल्स. एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इसके बेनिफिट यही है कि आपको देखो अगर इफ़ यू आर नॉट अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो फिर भी आप कीगल्स अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो नेचुरली योर पेल्विक मसल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू अ लेडी हु हैज़ नॉट एवर डन कीगल्स. और इसका इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि ब्लैडर मसल्स वीक हो जाती हैं 50 की एज के बाद ब्लैडर मसल्स वीक हो जाती हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपको उस एज में फेस करनी नहीं पड़ेगी. ओके एंड क्या ये डिलीवरी के टाइम पर भी हेल्प कर सकती है एक्सरसाइज? हाँ डिलीवरी के टाइम पे हेल्प कर सकती है कि आपकी मसल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू समवन हु इज़ हु हैज़ नेवर प्रैक्टिस सच एक्सरसाइजेस. सो या यू विल बी एबल टू पुश हार्डर एज कम्पेयर टू अ लेडी हु हैज़न्ट. ओके एंड मैम इज इट नॉर्मल टू हैव वेजाइनल डिस्चार्ज? वेजाइनल डिस्चार्ज देन अगेन इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है व्हेन यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट वेजाइनल डिस्चार्ज. देखिए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इन द वेजाइना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. वेजाइना कैन नॉट बी कम्प्लीटली ड्राई इट द सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. और जनरली इफ द डिस्चार्ज इज क्लियर वॉटरी उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी रैशेज और इचिंग देन यू नीड नॉट टू बी कंसर्न इट इज़ अ नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज विच वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रिवेंट यू फ्रॉम इन्फेक्शंस. लेकिन अगर वही डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में है इट इज़ स्टेनिंग योर अंडरगारमेंट्स इट इज़ फाउल स्मेलिंग उसमें से स्मेल आ रही है कोई अलग टाइप की फिशी स्मेल या कुछ बदबूदार डिस्चार्ज है उसके साथ आपको इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा यूरिनरी सिम्टम्स हो रहे हैं बार बार यूरिन आ रहा है यूरिन में जलन हो रही है या फिर रैशेज वगैरह हो रहे हैं देन यू नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट दैट डिस्चार्ज. मैम जैसे देखा है कि पीरियड्स के दौरान आजकल जो फीमेल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ओवरफ्लो होता है ये काफ़ी मैं सुनती भी हूँ और एक्सपीरियंस भी किया है एंड बहुत ज़्यादा पेन भी होता है सो वो रीजंस क्या है? देखिए द रीजंस अगेन डिपेंड अपॉन द एज ग्रुप ऑफ द लेडी कि आप किस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं तो एज के हिसाब से पैथोलॉजी भी डिफरेंट है और उसका कॉज भी डिफरेंट है. तो जनरली यंग एज में इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं या आपने सुना ही होगा PCOS PCOD आजकल बहुत ही कॉमन है. तो जनरली अगर आपने अपना पीरियड मिस किया लाइक यू हैड योर मेंसेस आफ्टर 2-3 मंथ्स तो इट इज़ नेचुरल टू हैव अ हैवी फ्लो कि आपने 3 मंथ्स मिस किया देन यू आर हैविंग अ मेंसेस तो इट्स नेचुरल टू हैव अ हैवी फ्लो. इसके अलावा इफ़ यू आर हैविंग सर्टेन थायराइड डिसऑर्डर्स या एक हार्मोन होती है प्रोलैक्टिन विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस ब्लीडिंग एंड एवरीथिंग तो उसमें भी ब्लीडिंग एबनॉर्मल या ज़्यादा हो सकती है. इसके अलावा क्या होता है कि कई बार अ वुमेन डज नॉट नो दैट शी इज़ प्रेगनेंट और उसको वो एंड शी हैज़ मतलब यू नो शी हैज़ नॉट ट्रैक्ड द साइकिल एंड ऑल ऑफ दैट ना तो समटाइम्स क्या होता है कि शी इज़ एक्चुअली हैविंग एन अबॉर्शन और उसमें भी हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है एंड शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट शी इज़ प्रेगनेंट. सो अगर अभी कभी भी आपको हैवी ब्लीडिंग का एपिसोड नहीं हुआ है एंड सडनली यू एक्सपीरियंस हैवी ब्लीडिंग तो आई सजेस्ट यू शुड विजिट योर डॉक्टर टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉज. 70% केसेज में कॉजेज मिल जाते हैं और यदि आपकी एज 40 के अराउंड है एज ज़्यादा है देन द कॉजेज आर डिफरेंट अ लिटिल बिट डिफरेंट. उसमें होता है फाइब्रॉइड जैसे कि आम भाषा में बच्चेदानी में रसौली कहते हैं कोई ओवेरियन सिस्ट हो सकता है या फिर इन वर्स्ट केस सिनेरियो कैंसर्स में भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है. सो डोंट यू नो इग्नोर एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड डू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट. ट्रू ट्रू. एंड मैम पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पेन में देखिए सबसे पहले है सबसे कॉमन है फाइब्रॉइड में पेन होता है. इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस किसकी वजह से होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस जनरली हो जाता है और जो एंडोमेट्रियम वाला टिश्यू है यानी जो टिश्यू आपके यूट्रस में होना चाहिए वो टिश्यू यूट्रस में ना हो के ओवरी में या
पेल्विक एरिया में कहीं और होता है. तो नॉर्मली ब्लीडिंग शुड बी फ्रॉम द यूट्रस एंड इट शुड कम आउट थ्रू द वजाइना. लेकिन दैट ब्लीडिंग स्टेज इनसाइड योर पेल्विस और वो एबनॉर्मल रिएक्शंस क्रिएट करती है बॉडी में जिसकी वजह से देयर इज एक्सेसिव पेन. सो एंडोमेट्रियोसिस इज वन ऑफ द मेन रूट कॉज ऑफ दिस पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. ओके, एंड हम क्या कर सकते हैं इस पेन को दूर करने के लिए? इस पेन को दूर करने के लिए देखो, अगर आपका नॉर्मल पेन है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, फाइब्रॉइड है या पॉलिप है, दैट कैन बी ईजिली सर्जिकली रिमूव. लेकिन अगर एंडोमेट्रियोसिस है वो प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो उसका प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है. अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आपकी बॉडी में बन गए देन यू नीड टू गेट इट रिमूव्ड. बट जनरली एंडोमेट्रियोसिस इज ड्यू टू प्योर हार्मोनल इम्बैलेंस. सो आई सजेस्ट यू डू नॉट रीच दैट फेज. एक्चुअली यंग एज में वी डू नॉट कीप अ चेक ऑन आवर डाइट, वेट, आवर हैबिट्स. So I would suggest if you try to maintain a regular routine, like you should sleep on time, wake up on time, at least 30 minutes of physical activity daily, eat healthy, do not eat junk food. So matlab not all, but a majority of such conditions can be avoided at a very early stage. Okay, so lifestyle se aur diet se bhi hum apne period pain ko treat kar sakte ho. In fact, jo PCOS aajkal matlab 60-70% of young girls have PCOS. PCOS में तो मेजॉरिटी ऑफ द रोल इज ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. मतलब यू कीप ऑन टेकिंग हार्मोनल ट्रीटमेंट PCOS, जब तक आप हार्मोनल ट्रीटमेंट लोगे ठीक रहेगा. जैसे ही आप ट्रीटमेंट बंद करोगे अगेन यू विल डेवलप सिम्टम्स ऑफ PCOS. बट इफ यू कीप द अदर थिंग्स ऑन चेक विच आर इग्नोर्ड, दैट विल बी द यू नो मेजॉरिटी केस प्रॉब्लम्स उसी से सॉल्व हो जाएंगे. एंड मैम ये जानना चाहूँगी कि लाइक व्हाट कॉजेस एनीवन्स पीरियड इरेगुलर, अगर इरेगुलर पीरियड्स किसी को हो रहे हैं, सो व्हाट कैन बी द कॉज? पहला कॉज अगेन PCOS, मतलब इट इज बेसिकली द रूट कॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स इन यंग लेडीज. PCOS की वजह से इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं. दूसरी बात, अगर आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको डायबिटीज़ है, थायराइड इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं. और जनरली अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एज में जनरली अराउंड मीनोपॉज भी वो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं. मतलब जनरली मीनोपॉज ऐसे नहीं होता कि एक साइकिल में पीरियड आया, नेक्स्ट साइकिल में स्टॉप हो गया. तो इट विल लीड टू अ लिटिल बिट ऑफ इरेगुलर पीरियड्स एंड देन द पीरियड विल स्टॉप. सो दैट इज natural. That is no, you don't need to worry in that case. Okay. और अगर irregular periods हो रहे हैं तो maybe कोई health conditions हो सकती है. हाँ, so you need to get your entire profile done and then we can find out the cause की किस वजह से हो रहा है. मैम अगर STD की बात करें, sexual transmitted disease, तो उस वो हमें like frequently जो लोग active हैं, so उनको कितने time में ये कराते रहना चाहिए checkup? Generally देखो, sexually transmitted diseases के लिए yearly checkup कराना चाहिए. और HIV, हेपेटाइटिस, सिफ्लीज, क्लेमाइडिया, गनोरिया. लेकिन इफ़ यू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एंड यू आर वेरी प्रोएक्टिव, या आपको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स और एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स और एनी डिस्चार्ज आफ्टर द इंटरकोर्स, देन आई थिंक यू शुड इमिजिएटली कॉन्टैक्ट द डॉक्टर. ओके ओके. एंड इज इट नॉर्मल टू हैव लाइक ओकेजनल अवर्जन्स टू सेक्स? या इट इज़ ओके टू हैव ओकेजनल एवर्जन्स टू सेक्स. देखो, देर आर मल्टीपल रीजन्स. जनरली आफ्टर प्रेगनेंसी, यू मस्ट हैव हर्ड आफ्टर प्रेगनेंसी लाइक अ वुमन हैज़ डिलीवर्ड, उसका फिर शी कम्स टू मी विद अ प्रॉब्लम कि नहीं मैम मन नहीं करता है अब करने का. बिकॉज आफ्टर डिलीवरी देयर इज़ अ लॉट ऑफ वियर एंड टीयर एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ इंजरी टू द मसल्स, प्लस मेंटली ऑल्सो द लेडी गेट्स टायर्ड. सो इन दैट केस शी फील्स एवर्जन्स टू सेक्स. एंड नेचुरली भी द इन अ वुमेन बहुत ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं. मतलब इन अ पीरियड ऑफ 28 डेज जो साइकिल होते हैं, देर आर सर्टेन फेजेस जिस टाइम पे ओवुलेशन होती है, द हार्मोन्स आर एट द पीक एंड दैट टाइम शी विल नेचुरली फील मोर बॉन्डेड टुवर्ड्स द पार्टनर. एंड देर आर सर्टेन फेजेस लाइक इमिजिएटली बिफोर द मेंसेस विच इज़ नॉन एज PMS, प्री मेंस्ट्रुअल. सो बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस एट दैट टाइम शी विल नॉट फील एज अराउज्ड एज शी विल फील टुवर्ड्स द टाइम ऑफ ओवुलेशन. दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. समटाइम्स द थिंग इज देयर की
फीमेल्स आर मोस्टली इमोशनली वायर्ड, दे डोंट फील समटाइम्स सो मच इमोशनली कनेक्टेड टू देयर पार्टनर, सो दैट कुड बी द कॉजेस, एंड समटाइम्स देर इज सम पास्ट ट्रॉमा रिलेटेड टू एनी सच काइंड ऑफ इंसिडेंट. सो आई थिंक व्हेनेवर इफ यू फील एनी ऑफ योर पार्टनर, एनी ऑफ योर फ्रेंड इज फेसिंग सच अ प्रॉब्लम, फर्स्ट यू नीड टू टॉक टू हर अबाउट इट एंड accordingly we can normal. Yeah, that is very normal. Give it some time. Yeah, we should give it some time, and it is not unnatural. Like the girl or the lady does not need to feel bad about herself that why I'm not feeling it. It is completely because of the hormonal changes, and sometimes it is because of the body needs the time to recover if it has gone through certain incidences.